prove that work done by magnetic force on a charge particle is zero. तो क्या प्रूव करना है कि मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो फोर्स की वैल्यू है, उसकी उसका जो वर्क डन है वो जीरो होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे. मतलब कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स तो लगाएगा, बी क्यू वी साइन थीटा, वो फोर्स तो लगाएगा, पर उसकी पावर की वैल्यू जीरो है, उसका वर्क डन जीरो है. अब कैसे प्रूव करना है ये देखो, एक लाइन का काम है. जब एक चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करता है, तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एफ फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. ये फॉर्मूला हमने की है. अब ये बताओ, ये फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल क्या होता है? 90. वो क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट है ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये के कैप है. और वैसे भी वेक्टर का रूल है, आप दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो जो नया वेक्टर आता है वो इसके और इसके साथ एंगल हमेशा क्या बनाता है? 90. ये तो रूल है. और मैंने आपको ये प्लस वन के अंदर बताया हुआ है कि एक टर्म है पावर. जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम. और पावर की वैल्यू होती है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी. तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, पर पावर एक स्केलर है. तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं ये वेक्टर वेक्टर लगाऊं और ये मुझे स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या लगेगा यहाँ पर? क्रॉस की जगह डॉट. तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू, या पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फोर्स और वेलोसिटी में हमेशा एंगल क्या बनता है? 90. तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का क्या आंसर देगा? जीरो. क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का एंगल तो 90 है, मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी के साथ एंगल 90 बनाएगी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. तो पावर क्या होगी? जीरो. पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम. तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो. तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? जीरो. तो अब इस टाइप के टॉपिक से ना स्टूडेंट सोचता है कि यार कहने की कोशिश क्या कर रहा है, कि मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो है. मतलब क्या है इसका? मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग तो होता होगा कुछ, कि बस ऐसी डेरिवेशन थी, हमने दो नंबर लिए, बस प्लस टू पास हो गई. ऐसा नहीं है, एक लॉजिक है. लॉजिक ये है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसके ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स जैसी भी लगेगी, ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी, कहीं भी, वो पार्टिकल की जो मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल है उसके पाथ को चेंज कर देगी. क्यों चेंज करेगी? अब एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं. आपको याद होगा अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होता है? F इज इक्वल टू QE. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा था Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाई QE, इसी तरफ जा भी इधर रहे और फोर्स भी इधर है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसे एक्सलरेट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सलरेट करेगा, वो एक्सलेशन जनरेट करता है क्यू एम, और उसकी स्पीड को बढ़ा देगा. तो आपने बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको चलाया जा सकता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज कर सकता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, इवन रेस्ट पे पड़े चार्ज पार्टिकल को मूव भी करवा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे ही है. अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. मान लो एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लगी. वी में और एफ में एंगल हमेशा क्या लगना है? 90. ये देखो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये फोर्स लगी, यहां पे लगी हुई फोर्स इधर की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि इधर अगर पार्टिकल जा रहा था और तुम वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें फोर्स भी इसी के अलोंग लगानी पड़ेगी, तभी वेलोसिटी बढ़ेगी. तुम अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाओगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज ना आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा लगती 90 डिग्री पे है. तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता. पूरे चैप्टर के अंदर जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो स्टूडेंट ये सोचता है अच्छा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन लगेगी, तो हो सकता है वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाए. ना, जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 90 पे लगती है, तो ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को तो चेंज कर सकता है,
इसके पाथ को तो चेंज कर सकता है लेकिन इसकी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को कभी चेंज नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, पर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज ना हो सकती मैग्नेटिक फोर्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें यही तो समझा रहा है वो, क्या समझा रहा है कि अगर आपको याद हो एक चैप्टर किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हुआ करता था, एक पार्टिकल टेंजेंशियल जाने की कोशिश करता था लेकिन तुम फोर्स कहां लगाते थे, 90 डिग्री पे वेलोसिटी के साथ। तो 90 डिग्री पे फोर्स लगाते थे, तो ये 90 डिग्री पे जब फोर्स लगेगी तो फोर्स और वेलोसिटी पे फिर से एक बार एंगल क्या है, 90। और याद करो एक रिजल्ट भी था, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम ना करती, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली जब आप याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स तो लगती थी टुवर्ड सेंटर लेकिन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती थी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स 90 डिग्री पे लगती है वेलोसिटी के साथ, और जो फोर्स 90 पे लगती है वो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगी और बॉडी को सर्कल में घुमाना शुरू कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज कर देगी, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको घुमा घुमा के कि किसी तरीके से स्टूडेंट आंसर दे दे, अच्छा फोर्स लग रही है, आपको ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा, अच्छा फोर्स लग रही है, हाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैग्नेटिक फोर्स से सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज ना हो सकती। समझ में आ रहा है रिजल्ट? तो इसलिए एग्जाम्पल है कि अगर मान लो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, एग्जाम्पल है वी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, बी क्यू वी साइन 90 लगी, और डायरेक्शन कहाँ लगी, फर्स्ट फिंगर बी बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहाँ लगी, ऊपर। सही है? तो ये चार्ज पार्टिकल जा तो सीधा रहा था पर मैग्नेटिक फील्ड ने इसको फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर। जैसे ऊपर फोर्स लगी इसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली और मान लो वी वेक्टर इधर आ गया, ये जा तो सीधा रहा था, फोर्स लगी तो ऐसे हो गया, तो चार्ज पार्टिकल हल्का सा मुड़ा, फिर से फोर्स लगी, कैसे लगी, फर्स्ट फिंगर बी वेक्टर बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा टेढ़ा, तो फोर्स वेक्टर क्या बनेगा, फिर से इसके परपेंडिकुलर। फिर फोर्स लगी, इस फोर्स ने इधर जाते इसको पार्टिकल को भी फोर्स लगाई, ये इधर मुड़ गया, ये देखो इधर मुड़ गया, हर इंस्टेंट पर फोर्स लगती जा रही है। तो जब ये इधर मुड़ गया तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स का है लेफ्ट, फिर फोर्स लगी, फिर ये इधर मुड़ गया। आप जहां मर्जी ये डायग्राम लगा लो, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर वेलोसिटी इधर फोर्स इधर, जहां मर्जी लगाते जाओ, जैसे मर्जी लगाओ, फोर्स हमेशा कहां आएगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो इसलिए ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी और कहां करेगी, टुवर्ड सेंटर, इसलिए पार्टिकल कैसे घूमना स्टार्ट हो गया, इन अ सर्कल। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहां एक्ट करती है, उसके सेंटर पे, और क्या एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल, और पार्टिकल को घुमाती है किसमें, इन सर्कल। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, ये 90 डिग्री पे काम कर करके इसकी डायरेक्शन चेंज करती जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कभी ना चेंज होगा, ये हमेशा थंब रूल है, भूलना नहीं है।